नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच युवा भी आंदोलनकारी किसानों में जोश भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किसानों ने अपने हक के वास्ते डाक कांवड़ का रास्ता चुना है और इसी की तर्ज पर किसानों के लिए गांव की मिट्टी और पानी लेकर टीकरी बॉर्डर पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ युवाओं की हुंकार, हक के वास्ते डाक कावड़ के रास्ते, हाथों में तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा, युवाओं की पहल लाएगी रंग, युवाओं का विजय फॉर्मूला। दिल्ली की दहलीज से शुरू हुए इस आंदोलन को 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर एकजुट होकर किसानों ने कई पड़ाव पार किए। क्या ठंड, क्या बारिश और क्या गर्मी, सब सहन कर गए, लेकिन अपने हक के लिए डटे रहे, दिल्ली तक अपने मांगों का फरमान पहुंचाते रहे। बातचीत का न्योता आया, कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। बेनतीजा रही इन बैठकों का सिलसिला लगातार चलता रहा। फिर क्या था, किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई का नया पड़ाव शुरू हो गया है। हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और अपनी संसद लगा रहे हैं। इसी बीच अब युवाओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ डाक कावड़ निकाली है। हक लेने आए हैं, मोदी जी महाराज ने मेरे काले कानून वापस लेने हैं और हम इसको काले कानून को वापस करके जाएंगे। कोरोना के चलते कावड़ यात्रा पर तो प्रतिबंध है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के हौसला अफजाही के लिए युवाओं ने हरिद्वार से ना सही गांव से जल और मिट्टी लेकर किसान आंदोलन स्थल पहुंच रहे हैं। गुरुवार को जींद के दुर्जनपुर गांव से मिट्टी और पानी लेकर युवा टीकरी बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान युवाओं के हाथों में तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा दिखा। अपने हक की लड़ाई के लिए किसान, महिलाएं और युवा भी सड़कों पर है, लेकिन इस बार महाआशीर्वाद के लिए युवाओं ने डाक कावड़ का प्लान किया है। हम ये डाक कावड़ लेके आए हैं जल और मिट्टी गांव की और तिरंगा साथ में, दुर्जनपुर गांव से लेके आए हैं। दुर्जनपुर से सड़क से लेकर संसद तक जिस एक नाम की गूंज है वो किसान है। संसद में भी लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। किसानों की मांगों को उठाते हुए विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। अपने हक के लिए किसान हर नामुमकिन कोशिश को भी मुमकिन कर रहा है। सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने तो मानो किसानों की मांगे ठंडे बस्ते में डाल दी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार ऐसी ही आंखें मूंद कर बैठी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। आज हम हल्ला बोलेंगे किसान आंदोलन पर। जिस तरीके से आज किसानों के साथ युवा आए, हरियाणा के तमाम जिलों से युवा डाक कांवड़ के जरिए किसान आंदोलन में शामिल हुए और घरों से मिट्टी और पानी लेकर टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे, तो आज हम इसी पर हल्ला बोलेंगे। क्योंकि युवा एक देश का शक्ति होता है, युवा चाहता है तो देश के रूपरेखा चेंज कर सकता है, और आज युवा किसानों के साथ आगे हैं। हमारे पहले कॉलर सुभाष जुड़ चुके हैं। जी सुभाष, बोलिए हल्ला। हाँ सर, ये बताओ जी, किसान इतना दिन रात हम बॉर्डर पर बैठे हैं जी, हाँ जी, इसका कोई सुनवाई कैसे नहीं करेगी। हमने प्रधानमंत्री की कुर्सियों पर बिठाया जी, आज हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है जी। हम सारा देश का पेट भरते हैं जी, दिन रात कमाते हैं जी, रोटी पानी का हमने खाने को किसी का ढंग नहीं है जी। दोबारा हमें जो इसका कानून लागू किया जा रहा है जी, है सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो आज किसान पिछले 8 महीने से सड़कों पर है। ठंड चलेगी, गर्मी चलेगी और बरसात। पिछले कल की बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला था और किसानों के शामियाने तक उड़ गए थे, लेकिन फिर भी किसानों का हौसला कम नहीं हुआ।
किसान फिर भी अपनी संसद चलाते रहे, किसान फिर भी सिंगू बॉर्डर पर डटे रहे, तो केंद्र और केंद्र सरकार और किसानों में कब समाधान होगा? एक तरफ किसान अड़े हैं, दूसरी तरफ यह सरकार अड़ी हुई है। तो हमारे अगले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, बोलिए हल्ला। ये आंदोलन जी जब तक चलेगा जब तक इस तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, और बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों मिले हुए हैं जी, इन सतबीर जैसे पहलवान जो इसके बीजेपी के और कांग्रेस के मिले जुले ये वो हैं, उड्डा के समर्थक जिन्होंने बुजुर्ग चौटाला साहब को वहाँ माइक नहीं लेने दिया और झूठा आरोप लगाया कि भी मेरे पास मेरे को छड़ी मारी, ये सारी इसकी कुलदीप सिंह बिश्नोई, भूपेंद्र हुड्डा और शमशेर सुरजेवाला इनकी वो करनी है। ये बच्चे लोगों को भेजते हैं, इन्होंने पहले भी चौटाला साहब के लिए कल किया, और किसानों के लिए अगर कोई आज इस टाइम लीडर है तो वो या तो चौटाला साहब है या प्रकाश सिंह बादल जी उत्तरी भारत के अंदर और यूपी के अंदर है जयंत सिंह, सोनिया गांधी के आगे नचेंगे या ये हरियाणा में इसलिए सर एक मिनट बात सर, आप जो भाषा का मर्यादा है, भाषा की मर्यादा है उसका ख्याल रखें, उसका ख्याल रखें जो भाषा की मर्यादा है। इस तरह के आपत्तिजनक शब्द प्लीज ऑन एयर ना बोले। रिक्वेस्ट है जो भी दर्शक फोन कर रहा है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। तो हक के वास्ते डांग कावड़ के रास्ते, और अब युवाओं ने किसान आंदोलन का साथ देने के लिए हुंकार भरी है। सड़क से संसद तक संग्राम जारी है, किसानों के हक की लड़ाई जारी है, और किसान संसद का आज छठा दिन है, और जंतर मंतर पर लगातार 22 जुलाई से किसान संसद जारी है। चाहे वो बारिश हो चाहे वो धूप हो, किसानों का हौसला डगमगाया नहीं है, और आज जिस तरीके से युवाओं ने हुंकार भरी है वो काबिले तारीफ है। हमारे अगले कॉलर राम जुड़ चुके हैं। जी राम, बोलिए हल्ला। अनु जी नमस्कार। नमस्ते अनु जी, मैं बताना चाहता हूँ जैसे जैसे मौजूदा सरकार आंदोलन को लंबा खींच रही है जी, ठीक उसी तरह रोजाना नए कानून संसद किसान की संसद से पास निकल कर होकर आएंगे जी। कावड़ का जो प्रश्न है अनु जी, हकीकत में यही सेवा है बुजुर्गों की, किसानों की, जो मतलब है कि कावड़ का मतलब अपनी मिट्टी लेके आ रहे हैं, वो तो सिर्फ दिखावा है जी। असली पाप की पूजा होती है वही कावड़ होती है, बाकी तो सोच रहे हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और वो परमात्मा ने कोरोना के दौरान बता दिया कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सबके कपाट बंद हो गए, भगवान आपके घर में। अब आता हूं मैं कि कितनी गंदी गंदी भाषा बोली जाती है सोनाली फोगाट के द्वारा या मीनाक्षी के द्वारा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनकी आत्मा इतनी सड़ चुकी है अनु जी कि ये खाना भी नहीं देख सकते, बताओ क्या भूखे रहे क्या, उनको खाना नहीं खाना चाहिए क्या, ये खा रहे हैं, ये वो खा रहे हैं, वहां एसी में बैठे हैं। अरे भले आदमियों कुछ तो थोड़ा बहुत शर्म करो, कुछ शब्दों का तो प्रयोग ढंग से कर लो। अब हमारे बलदेव सिंह कह रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ दुष्यंत चौटाला कौन से खानदान से थे, और ओपी चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई थी क्या, उसे भूल आप। मेन चीज है आप दुखद को समझो, किसानों के किसानों का समर्थन करो, और इनके समर्थन से जो सोच करो, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सब इसी में से पहले जैसे महात्मा गांधी के माध्यम से पैदा हुए थे, तो किसानों के माध्यम यहाँ भी पैदा होंगे। मैं तो अपील कर रहा हूँ बार बार, ऐसे हालात ना रहे भारत के माँ के साथ, इनको किसानों को बाइज्जत घर भेजे और इन कानून को वापस लेके उसके बाद फिर दोबारा अपना कर ले, तो आपका बहुमत है, पूर्ण बहुमत दोबारा भी ला सकते हो आप। धन्यवाद अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो क्या जंतर मंतर पर संसद से निकलेगा हल, ये बड़ा सवाल है। डाक कांवड़ से मिलेगा आशीर्वाद अब किसानों को, जो किसान पिछले 8 महीने से बैठे हुए हैं, और कब होगा इस आंदोलन का अंत, और क्या कृषि कानूनों का निकलेगा कोई समाधान, इस आस में किसान बैठे हैं कि कब होगा समाधान, कब सरकार हमारी बात सुनेगी।
हमारे अगले कॉलर हरिओम जुड़ चुके हैं। जी रखिए अपनी बात। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ मैडम, ये किसान भूखे पैसे 8 महीने से बैठे रहे, ये तानाशाह सरकार है, ये कुछ ही कुछ सुनने वाली नहीं है जी। और इस किसानों का हक है, उसको ये वो कर रहे हैं जी है? अभी इनमें कम से कम इनका वो कृषि है। हेलो। जी जी सर, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें तभी आवाज यहाँ तक पहुँच पाएगी। अच्छा हाँ मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये किसान है, ये 8 महीने से बैठे हैं, सरकार ने क्यों नहीं सुन ली? ये अपने भूखे पैसे उधर बैठे हुए हैं जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो आंदोलनकारी किसानों की हौसला अफजाई के लिए अब युवा भी मैदान में आ चुके हैं। जहां एक तरफ सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, वहीं अब युवा गांवों से डांग कांवड़ के जरिए किसान आंदोलन में टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों में एक बार फिर से जोश भर दिया। युवाओं ने आज जिस तरीके से इकट्ठे होकर किसान आंदोलन में पहुंचे, तो बाकी ही वो तारीफ करने वाली बात थी, क्योंकि आज देश का युवा किसानों के साथ आ चुका है। हमारे अगले कॉलर अशोक जुड़ चुके हैं। जी अशोक रखिए अपनी बात। हेलो। जी जी बोलिए। अनुजी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1973 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके संसद आए थे जी। उस समय डीजल का 60 पैसे बढ़े थे और आज इतने रेट बढ़ गए। राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर आ गए, तो उसका ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि ट्रैक्टर कहाँ से आया, किस गाड़ी में आया, कहाँ उतरा, इसका मालिक कौन है। उस समय किसी ने ये नहीं की कि ये बैल कहाँ से आए, गाड़ी कहाँ से आई, कौन लेकर आया। और अब तो एक ट्रैक्टर गया है संसद, और कुछ दिन अगर सरकार नहीं मानेंगी तो जो लाखों करोड़ और कितनी कंपनी आ रही है, हम ट्रैक्टर की सभी कंपनियों के ट्रैक्टर आएंगे। अब तो स्वराज कंपनी का आया है, उसके बाद तो सभी कंपनियों के ट्रैक्टर वहां जाएंगे संसद। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्ला बोल में दीजिए राय, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि सड़क से संसद तक संग्राम जारी है किसानों का। किसान पिछले 22 जुलाई से संसद के सामने बिल्कुल जंतर मंतर पर किसान संसद लगा के बैठे हुए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारे अगले कॉलर बिजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। जी रखिए अपनी बात। जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जितने भी सरकार बना के बैठे हैं, इनका बच्चा कोई देश सेवा में लगा हुआ है क्या? जी ये किसानों के बच्चे ही तो हैं ये भी, जो पुलिस को इनको आगे कर रहे हैं, ये सब बच्चे उन्हीं के तो हैं जी। ये किसानों के बारे में नहीं सोच रहे कुछ भी जी। जी मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करें जब 2013-14 की, जब देश में महंगाई चरम सीमा पर थी, तो जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया था, और आज भी इसी तरीके के हालात देश में बने हुए हैं। एक तरफ मॉनसून सत्र में लगातार विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रही है, और वही दूसरी तरफ किसान भी लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। हमारे अगले कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी रखिए अपनी बात। जी नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। यूँ है कि अब तो किसान अपनी बात रख रहे हैं, संसद तक पहुंच रहे हैं, तो यूँ है कि सरकार को भी सुन लेना चाहिए, इन दोनों को बैठ के अपना कोई ना हल निकाल लेना चाहिए। क्योंकि यूँ है कि किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से यूँ ना हो कि वो कुछ गलत वो कर जाएं और नाम किसानों का जो बदनाम किसान हो। पर ये चीज हो भी रही है कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत रूप के कारण, अपने फायदे के कारण, और वो किसानों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस समय यही होना चाहिए कि सरकार और किसान दोनों को एक ही कदम आगे आके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका निकालना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो हल्ला बोल में दीजिए राय कि क्या अब युवा जिस तरीके से किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं, डाक कावड़ के जरिए किसान आंदोलन में शामिल हुए, टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे, तो क्या उससे समस्या का हल निकलेगा? हमारे अगले कॉलर सरिता जुड़ चुकी हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री से, मैं स्पेशल आप के द्वारा जी संदेश देना चाहती हूँ
वो कह रहे थे बहुत लंबे हाथ कर करके हम अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो यार ये किसान के लिए ये अच्छे दिन है, 100 रुपये लीटर तेल हो गया जी। ट्रैक्टर में किसान पानी डाल का चलेगा, इंजन है, इंजन में ट्यूबल में इंजन में तेल नहीं डलता जी। रेट क्या है हमने पता है, हमने हकीकत नहीं देखी, हमें पता है मंडी में जाके किसान की फसल की क्या बिना माटी होते है, गेहूँ भी बीजते हैं, धान भी बीजते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं होता है, ये वहाँ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मारनी, ये एक बात कहते हैं हम भी किसान के बेटे हैं, मंत्री कहता मैं भी किसान का बेटा हूँ, कदे आज से किसान ने बेरा है किलम कितना खाद डलती है, कितना बीज डलता है, आज तो लिया हम भी मार दे अच्छे रखे के कह दे अगले हम बेरा है, किसान के बेटे कौन है, जो असली किसान वो है जो अब खेती कर रहा है उसने पता है, गांव क्या होता है, छाव क्या होती है, गर्मी क्या होती है, कैसे खेती उपजाई जाती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। तो जिस तरीके से किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हो चुके हैं और लगातार विपक्ष भी किसान आंदोलन के मुद्दे पर, पेगासस मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को मानसून सत्र के दौरान घेर रहा है, एक तरफ किसान घेर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष घेर रहा है, और अब युवा भी मैदान में है। हमारे अगले कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं जी। दिनेश रखिए अपनी बात। नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसा है जी, मैं परसों ये टीवी देख रहा था 24 नंबर शाम को 7:50 जी, उस टाइम एक सरदार जी आया गया बीजेपी के, एक बीजेपी के किसान नेता रहे थे, उन्होंने कहा था बोले भाई MSP तो मिल जाए कि ना, मैं ये इन, 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 ये तीन अध्यादेश के लिए मान लो, हाँ जी इसके अंदर तो संशोधन होते रहेंगे जिसकी तो कोई बात नहीं, MSP के लिए वो दो बिल पास करवा दो, उन्होंने खुद कहा है बोले MSP मिलनी चाहिए दोनों ने, वो बीजेपी का प्रवक्ता था और वो भी संघ का काम किसान नेता था, जब वो खुद कह रहे हैं इस चीज को तो लड़ाई तो रही है कौन, आप ये MSP पर बिल पास करवाओ जी, और विनोद मेहता ने विनोद मेहता ने खादो मैदान में आप करवावांगे समझौता, अरे 1 बाद रुपए जाकर हर जे कुछ हो जाए हमने कह दियो फिर, लेकिन ये तो सरकार नहीं चाहती जी करना, क्योंकि सरकार के फिर नए घोटाले बाहर निकल जाएंगे, वो सोचा भाई इसमें पागल हो फिर जाएंगे, आगे आएगी सरकार देखी जाएगी, नहीं आएगी हमारा टाइम पास हो जाएगा, सरकार दोषी है जिस टाइम केंद्र सरकार इसके ऊपर दोषी है, क्योंकि यदि विनोद मेहता को ये पावर दे देते हैं भाई तो कर दे फैसला, तो फिर कृषि मंत्री सेंट्रल की वैल्यू है खत्म, अमित शाह जी की वैल्यू खत्म, ये तो वैल्यू में रोले रह रहे हैं जी, करियर खा गया सरदार जी जो बीजेपी का है, मतलब MSP तो मिलनी चाहिए, जब वो उसका प्रवक्ता कहने लग रहा है तो फिर इनके देर में क्या बुराई है जी, करो बिल पास जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी, अपनी बात की और बताया। तो किसान संसद का आज 6ठा दिन है, किसान संसद जंतर मंतर पर शुरू हुई है, जहां एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की संसद बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से चल रही है। मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो बार बार संसद को स्थगित किया जा रहा है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है। हमारे अगले कॉलर राम जुड़ चुके हैं जी। राम रखिए अपनी बात। ये जी किसानों का जो आंदोलन है 8 महीने हो गए इसको जी, और ये सरकार सुन नहीं रही है बीजेपी जी, भी हम पुराने ट्रैक्टर हैं हमारे उनको दोबारा ठीक करा रहे हैं हम, फिर उधर संसद पर लगा देंगे इनको जी, अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो ये आखिरी रास्ता बचा हुआ है जी, तो सरकार को मान जाना चाहिए हमारे हिसाब से, तो घने दिन हो गए जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। तो किस तरीके से आज किसान कह रहे हैं कि हम फिर से तैयारी में हैं, अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम फिर से एक बार दिल्ली को घेरने की तैयारी में हैं, ट्रैक्टर मार्च हम निकालेंगे, क्या सरकार फिर से 26 जनवरी का इंतजार कर रही है, क्योंकि एक तरफ देश का गणतंत्र दिवस था और अब 15 अगस्त को देश का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो क्या केंद्र सरकार को किसानों की बात नहीं माननी चाहिए, इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। अब किसानों के साथ युवा भी शामिल हुए हैं। हमारे अगले कॉलर सतीश जुड़ चुके हैं जी, रखिए अपनी बात।
नमस्कार जी मैडम जी। जी बोलिए जी। मैं ये कहना चाहूँ किसानों की पेशेंस का ये सरकार इम्तिहान लेना चाह रही है। 8 महीने हो गए और कितना आंदोलन करवा के मानेंगे, जन आंदोलन बन चुका है जी। जन जन दुखी है इससे और सरकार मान नहीं रही। ये कह रहे भाई हम एम एस पी पे कानून बनाने के लिए तैयार हैं, जो कि इनका चुनावी वायदा भी था। एम एस पी पे कानून बना दो, गारंटी खरीद का कानून बना दो, आधा मसला खत्म हो जाएगा जी। लेकिन सरकार ये करना निचारी को गोल गोल घुमा रही है जी। हमारे हिसाब से सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए, अन्नदाता की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो केंद्र सरकार और किसानों में कब बनेगी बात, एक तरफ सरकार अड़ी है दूसरी तरफ किसान अड़े हैं, कैसे इस किसान आंदोलन का समाधान होगा? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये किसान सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इनको खालिस्तानी आतंकवादी आंदोलन जीवी तरह तरह की संज्ञाएं दी गई। क्या पिछले 8 महीने से अपने घर बार को छोड़कर किसान बॉर्डरों पर राजनीति कर रहे हैं, महिलाएं यहां पर राजनीति कर रही है, यह बड़ा सवाल है। आज देश का अन्नदाता सड़क पर बैठा हुआ है, तो क्या इस सरकार को सुध नहीं लेनी चाहिए? और इस आंदोलन का अंत कब होगा? कब किसानों के हक की लड़ाई खत्म होगी? कब ये काले कानून वापस किए जाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। आज इस आस में किसान बैठे हैं कि ये सरकार हमारी समस्या को, हमारे कृषि। हमारे अगले कॉलर आजाद जुड़ चुके हैं जी। आजाद दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते। हम तो यही कहना चाहेंगे जी, इसके अंदर को जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उन्होंने किसानों के लिए कुछ कम नहीं किया, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं जी। दोनों जो तीन कदम बना रहे हैं, कोई अपने किसानों को हित के लिए बना रहे हैं, देखते हुए किसानों के आज तक कोई गलत किया कभी आज तक नहीं बढ़ा जी। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि करने का अनुमोदन कर रहे हैं, तो किसानों को जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो क्या डाक कांवड़ से मिलेगा आशीर्वाद? क्या अब जब युवा शामिल हुए किसान आंदोलन में, तो कोई किसान, ये केंद्र सरकार इस किसान आंदोलन का अंत करेगी, कृषि कानूनों में संशोधन करेगी, खत्म करेगी कृषि कानूनों को? क्या अब केंद्र सरकार और किसानों में बात बनेगी? ये बड़े सवाल हैं। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और बताइए कि सरकार और किसान आंदोलन का अंत कब होगा? आज देश में दो संसद चल रही हैं, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश में दो संसद, एक तरफ संसद भवन में चल रही है, दूसरी तरफ महज 200 मीटर की दूरी पर किसान अपनी संसद चला रहे हैं।